जो पहले सफाई इटावा कन्नौज और 5-6 जनपदों में फंस कर रह गया था, पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में विकास करने का काम योगी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और गोरखपुर के विशेष गोरखपुर के दिग्विजयनाथ पार्क में है और आज भारतीय जनता पार्टी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन, यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ संबोधन करेंगे। खासी गोरखपुर को नई सौगात भी देंगे, कई परियोजनाओं का शिलान्यास मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा होगा। लगातार मुख्यमंत्री देखा जाए, जब भी गोरखपुर आते हैं तो गोरखपुर वासियों को नई नई सौगात देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। मुख्यमंत्री का प्रबुद्ध वर्ग के संबोधन है, क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को बहुत गंभीरता से लेती है। स्थानीय निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में जो महानगर हैं वहाँ पर प्रबुद्ध जन का सम्मेलन हो रहा है। उसी क्रम में गोरखपुर में भी आज प्रबुद्ध जन का एक सम्मेलन है। गोरखपुर नगर निगम के सभी 80 वार्डों में और गोरखपुर जिले के 11 नगर पंचायतों के सारे प्रबुद्ध जनों की सूची बना करके गोरखपुर जिला इकाई और गोरखपुर महानगर इकाई ने व्यवस्थित रूप से हर जगह अधिवक्ता, शिक्षक, डॉक्टर्स, अलग अलग वर्गों के सूची बना करके उन्हें आज निमंत्रित किया गया है। और लगभग 10,000 ऐसे प्रबुद्ध जनों को आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी संबोधित करेंगे और किस प्रकार से केंद्र की योजनाओं को, किस प्रकार से प्रदेश की योजनाओं को, जिस प्रकार से नीचे तक ले जाने का काम हो रहा है, ऐसे प्रबुद्ध जनों की एक बड़ी भूमिका होती है। आने वाले स्थानीय निकाय चुनाव में भी विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तरह भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराए और सारी योजनाएं नीचे तक जाएं, इसके लिए यह एक सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। पिछले बार नगर निगम में देखा जाए तो काफ़ी सीटों पर मिला जुला असर देखने को मिला था, इस बार की क्या तैयारियां हैं, खासकर गोरखपुर क्षेत्र की बातचीत का है और गोरखपुर जनपद की बात की जाए? देखिए, इस बार हमारे पास एक बेहतर प्रदर्शन केंद्र में मोदी जी के रूप में, हमारी दो बार की सरकार मोदी जी के रूप में जो काम कर रही है और योगी आदित्यनाथ जी ने दोबारा फिर से जो सरकार हमारी बनी है और किस जिस प्रकार से कानून का राज स्थापित हुआ है, जिस प्रकार से विकास की योजनाएं चल रही हैं, नीचे तक जा रही हैं, तो इस बार आम जनता ने भी मन बनाया है कि स्थानीय निकाय चुनाव में भी प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने ताकि योजनाओं का लाभ आम जन को मिल सके। मुख्यमंत्री आज विकास की सौगात भी गोरखपुर वासियों को दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये गोरखपुर का सौभाग्य है। मैं मानता हूँ कि 2014 के बाद जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे, 2014 से 2017 तक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, लेकिन केंद्र की कोई भी गरीब कल्याणकारी योजनाएं वो जमीन पर नहीं उतर पाती थी। 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में एक नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनाने का संकल्प और उन सब योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम योगी जी के नेतृत्व में हो रहा है और विकास का काम पूरे उत्तर प्रदेश में, विकास का पहिया जो पहले सफाई इटावा कन्नौज और 5-6 जनपदों में फंस कर रह गया था, पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में विकास करने का काम योगी जी के नेतृत्व में हो रहा है और गोरखपुर को ये विशेष सौभाग्य है। अच्छा, ये माना जाए मुख्यमंत्री के यहाँ से सत्ता संभालने के बाद से नए गोरखपुर की भी कल्पना अब शुरू हो चुकी है? मैं मानता हूँ लगभग गोरखपुर में मुख्यमंत्री जी का जब भी महीने में लगभग 2-3 बार ऐसे आना होता है और हर बार गोरखपुर के नागरिकों को कोई ना कोई विशेष तोहफा विकास के रूप में देते हैं। 5.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश के अंदर मैं स्वयं देख रहा हूँ कि 1989 से लेकर 1998 तक गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ जी यहाँ के सांसद रहे, 1998 से लेकर 2017 तक योगी आदित्यनाथ जी स्वयं सांसद यहाँ रहे, लगातार यहाँ के विकास के साथ उपेक्षा होती रही। पिछले 5.5 वर्षों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक नए गोरखपुर को बनाने का काम, जो मैं मानता हूं कि 70 वर्षों के विकास पर 5.5 वर्ष का विकास भारी है। संगठन की जिम्मेदारी आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब, क्या लगता है किस प्रकार का मुकाबला निकाय चुनाव में देख रहे हैं, कितना कठिन मुकाबला है? देखिए, हमारे गोरखपुर क्षेत्र में 103 नगर पंचायतें हैं, 18 नगर पालिका है, 1 नगर निगम है, 80 वार्ड हैं। मैं मानता हूँ कि जिस प्रकार से आम जनता का मन मोदी जी देश को बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं, योगी जी उत्तर प्रदेश को बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं, आम जनता ने मन बनाया है और मुझे विश्वास है कि आम जनता का आशीर्वाद जैसे लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिला है, विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिला है, वैसे स्थानीय निकाय के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी और योगी जी को, भारतीय जनता पार्टी को, आम जनता का विश्वास मिलने वाला है।
बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष हमारे साथ बात कर रहे थे डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह। आपको बता दें कि निकाय चुनाव की पूरी जिम्मेदारी जो गोरखपुर क्षेत्र के इनके कंधों पे हो, कहीं ना कहीं देखा जाए होर्डिंग और बैनर भी ये इशारा कर रहे हैं, तो ये माना जाए कि जो आने वाला चुनाव है इनके नेतृत्व में गोरखपुर क्षेत्र में लड़ा जाएगा। और इन्होंने साफ दावा किया कि हमारा मुकाबला किसी से नहीं है, हम पूरी ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को सफलता दिलाएंगे।